नमस्कार दर्शकों, मैं विजय गुप्ता यंग बाइट्स की टीम के साथ इस समय बाली इंडोनेशिया में हूं, G20 समिट को अटेंड करने आया हूं। लेकिन इस समय इंडियन डायस्पोरा में जहां मोदी जी ने संबोधित किया है इंडियन डायस्पोरा को, और हमारे साथ इस समय एक परफॉर्मर है। आइए जानते हैं कि मोदी जी के आने पर इनको कैसा लगा और इनका जो परफॉर्मेंस था वो किसको डिवोट करता था। जी, आपका नाम? मेरा नाम पॉम्पी पॉल है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए एक अलग ही मौका है उनसे मिलने का, और वो हम जितने भी यहाँ पे परफॉर्म किए सबसे वो मिले, आके फ़ोटो लिया, ये तो बड़ी बात है। जी मैडम, वेस्ट बंगाल से आप यहाँ कब से हैं? मैं यहाँ पे जो कल्चरल सेंटर है ICCR की तरफ से, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर, मैं वहाँ पे डांस टीचर के हिसाब से काम करती थी। अभी इस प्रोग्राम के लिए मैं जो कोरियोग्राफी करना था वो मैंने किया है, तो मैं थी यहाँ पे। एक दूसरे प्रोग्राम के लिए आई थी, बट देन क्योंकि मैं काम कर चुकी हूँ तो मैं यहाँ पे लोगों को जानती हूँ जो बच्चे करते हैं, तो मैं उनको लेके मैंने जो भी परफॉर्मेंस हुआ वो मैंने किया है। जी, मोदी जी को सुन के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, हमेशा सुनते हैं उनकी, जहाँ पे भी वो स्पीच देते हैं वो YouTube में आता है, आपके चैनल्स में आते हैं तो वो हम सुनते हैं। यहाँ पे जो अच्छा लगा, उन्होंने जो इंडिया और इंडोनेशिया की जो रिलेशन्स है वो उन्होंने बहुत अच्छे से सबके सामने क्लियर किया, बहुत से लोगों को। लेकिन आज तो आपने लाइव सुना मोदी जी को, कैसा लगा? अलग ही है, like, जैसे होता ना कि ऐसे उनको सुनना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जी दर्शकों, आपने एक परफॉर्मर जो थी यहाँ उनको सुना, और इनका उत्साह कितना था मोदी जी के प्रति। इन्होंने कहा कि इंडोनेशिया और हिंदुस्तान के रिश्ते जिस तरीके से मोदी जी ने कहा मजबूत होंगे, और मजबूत हैं भी और ज़्यादा मजबूत होंगे।